You can also book cabs. We have to change the Let's go. Nice. I'll be your anything if you be the one to take me home. Welcome back to my another vlog. So yeah, आज है finally the day has arrived कि I will be moving to गुड़गांव. So आज है 27th and अब मैं निकल रहा हूँ आज गुड़गांव के लिए. So मैंने basically रितेश को बुला रखा है तो वो मुझे drop कर देगा पंथनगर. फिर पंथनगर से मेरी है flight दिल्ली के लिए. फिर दिल्ली से मैं लूँगा cab. तो बेसिकली अभी तक तो यही प्लान है फिर पूरा, और बाकी देखते हैं बीच में क्या मिलता है, क्या कुछ नया देखने को मिलता है. सो यार मैं सो गाइस गैंग तो आ गई अपनी. एक काम के लिए तो बुलाया था तुझे मैंने. गुड, चल चल रहा. चलो ठीक है, ओके. अरे हाँ यार. मुझे तो मैं तो खुश हो रहा हूँ यार. सो गाइस एंट्री हो गई है अब एयरपोर्ट के अंदर. अब पार्किंग में जा रहे हैं, तो उसके बाद चेक इन का पूछते हैं प्रोसेस क्या है, फिर थोड़ी देर बैठेंगे साथ में. यही लगेंगे क्या लगानी होगी. तो गाइस अब जा रहे हैं. हाँ भाई जा रहे हो ना जाओ. अब साथ देरापन नगर एयरपोर्ट अब अंदर जा रहे हैं. मिलता हूँ अंदर, चेक इन करवाता हूँ. फिर चलो फिर अंडे मिलते हैं. हाथ देना साले, सब पता रहे पड़ेगा. चल फिर रुको, मिलते हैं. ओके छोटे, चल फिर बाय. चल बाय चल बाय बाय. सो गाइस चेक इन हो गया है, अपना बैग वैग रख दिया. And I have got the boarding pass for myself. So yeah, I wait at the flight. I like around अभी तक 11 बज रहा है, like 1.5 hour बचा है. देखो कब तक होता है, तब तक के लिए वेट करते हैं. ओके मैम. सो गाइस फ्रॉम वेटिंग एरिया अब हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक के लिए अगेन, जो कि होगा शायद पर्सनल सिक्योरिटी चेक. देखो आगे क्या क्या होता है. सो गाइस दिस इज द रूम फॉर सिक्योरिटी चेक. आई डोंट थिंक वहाँ वीडियोग्राफी अलाउड होगी, सो मैं यहाँ से वीडियोग्राफी बंद कर रहा हूँ. सिक्योरिटी चेक के बाद मिलता हूँ आगे. सिक्योरिटी चेक तो हो गया. तो गाइस द फ्लाइट वॉज डिलेड अ लिटिल, बट लाइक अब आ गई है. सो अब देखते हैं कितने में अनबोर्डिंग होती है. अराउंड 12:30 की तो लाइक डिपार्चर था, बट 12:30 पे तो अभी बैठेंगे हम वेटिंग रूम में. सो लेट्स सी कि कितने होते. 12:45 कह रहे हैं, सो लाइक 15 मिनट्स और लगेंगे. लेट्स सी कि कितने में डिपार्चर होता है हमारा. अभी सो गाइस वी हैव स्टार्टेड मूविंग. Thank you. Thank you very much. Thank you so much.
So as I'm seated in my plane, like for me it is this seat. Like कब की बुक करी थी बट सीट कौन सी मिली है लाइक लिटरली पोपट गया था ना इसे मेरा ही हुआ है सो अब बात करनी पड़ेगी देखते हैं सीट मिलती है नहीं मिलती है होप सो खाली रहे कोई विंडो सीट बट आई सीट चेंज एज ऑफ नाउ आई एम लाइक इट इज नेक्स्ट बट व्हाट कैन वी डू यार लाइक दे हैव Let me change my seat. I'm looking for an window seat from where I can like shoot. Let's see. अब तो मैंने और अच्छी सीट ले ली. Like I got a better one. So the look from like this. Yeah.
So I have to collect my luggage from here only. Let's see when it comes. Then we will book our cab and then we'll go to our destination. Now let's wait. Let's go. So we're back to Anil again. Been waiting for around 5 minutes. So वैसे मैं इन्फॉर्म तो किया गया था कि 10 है जो साइन हुआ हुआ है, बट अब वो कह रहे हैं कि अब चेंज हो गया है और 9 पे आएगा। हम आ गए ना, अब यहाँ वेट करो, पहले वहाँ 10 मिनट वेट करा, अब यहाँ वेट कर रहे हैं। अब पता नहीं आफ्टर हाफ एन आवर आएगा इसको। यार बस सर्विस है, लाइक हाफ एन आवर हो चुका है मुझे यहाँ वेट करते हुए, और मतलब टाइम की तो कीमत ही नहीं है साला। पता नहीं क्या है, देर से रुक के वेट कर रहे हैं, बट यहाँ किसी का बैग ही नहीं आया था। अब जाके बैग आया, और अब हो रहा है अराउंड 2:15। सो यार अब कैब बुक करता हूँ और एग्जिट करता हूँ पहले तो। सो गाइस कैब तो ले लिया है, एयरपोर्ट से ले लेते सीधे पीजी के लिए। अब बस पीजी जाना है, सही है। अभी रुके बैग एडजस्ट कर लो, आ गए। पता नहीं क्यों 45 मिनट्स का रास्ता था, बट थक जैसा गया हूँ। चलते पटाख से, खाना वाना खाना है वहाँ, बोल तो रहा है पीजी वाले भैया को भी खाना बना दें, देखो क्या होता है। वेट करते हैं, मुझे चाबी लेके आ रहे हैं शायद। वैसे फाइनली चेंज कर लिया, और मैंने सोचा था खाना बचेगा, बट टाइम ज़्यादा हो गया तो खाना नहीं है। सो मैंने जोमेटो ऑर्डर कर दिया है, तो अभी ब्लॉग का एंड करता हूँ। अब थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगा और बाकी चीज़ें आपको कल से दिखाना स्टार्ट करूँगा। सो करता हूँ ब्लॉग का एंड। होप यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।